जनता चाहती थी एक मजबूत विकल्प देने का, वो विकल्प हम लोग जो है तैयार कर रहे हैं। और तीसरी बैठक भी होगी बॉम्बे में, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गए 5, उसके अलावा 4 जो और कमेटियां हैं उसका भी जो है तय कर दिया गया कि कौन कौन क्या क्या होगा। अब जो है कमेटी में जो भी एजेंडा आएगा, निर्णय जो लेना है वो कमेटी जो है लेगी सामूहिक रूप से, सब दल के लोग जो है उसमें फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे जो उचित होगा। तो एकमात्र मकसद है ये लोग नौजवानों के हाथ में तलवार पकड़ाना चाहते हैं, हम लोग कलम पकड़ाना चाहते हैं। ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, हम लोग जोड़ने की और मोहब्बत की राजनीति करते हैं। और देश की अखंडता, जो देश की जो डाइवर्सिटी है, यही खूबसूरती है जिसको ये लोग अलग अलग करना चाहते हैं। कल भी हम कहें जो ये बात चल के आ रही है, अब होगा क्या नहीं होगा वो तो कोई क्लूलेस है। कोई भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि एजेंडा पार्लियामेंट में क्या होगा, लेकिन भाई चर्चा जो है छोड़ दिया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इनकम तो कीजिए, पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। ये बेकार की बातों में कहां लगे पड़े हैं, फंसा रहे हैं, कुछ होना वाला है नहीं। उसलिए बात अगर होनी चाहिए तो लोगों की आर्थिक न्याय की होनी चाहिए, वन नेशन वन इनकम होना चाहिए लोगों के साथ। और अभी मान लीजिए क्या कर रहे हैं, ये तो चाहते ही है ना कि भाई इन लोगों का कब्जा पूरे देश भर में हो। तो जहां भी रीजनल पार्टी है या गैर सरकार बीजेपी गैर बीजेपी सरकारें हैं वहां कब्जा कर लिया जाए। दिल्ली में फलना उल्टा सीधा ऑर्डिनेंस ला करके पास करा लिए कब्जाने के लिए ना, तो वही चाहते कि देश में लोग कब्जा कर ले, राज्यों को खत्म करके खाली केंद्र रहे। और बाद में बोलेंगे कि वन लीडर, वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, कहां जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं, वन नेशन वन रिलीजन, ये सब बेकार की बातें हैं ना। ये तो हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा, संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।